सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मल्होत्रा ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मल्होत्रा ब्लॉग्स। आज की जर्नी है, हम जा रहे हैं पानीपत से कहाँ पे, खाटू श्याम के लिए, जो राजस्थान में है। काफ़ी दिन से सोच रहे थे जाने के लिए, अभी हम फिर फैमिली जा रहे हैं, मैं सीमा और यश जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम लोग करेंगे आज एंजॉय और आप भी हमारे साथ बने रहो। कैसे कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकेंगे, बात करते हुए चलेंगे साथ में बिल्कुल। और सुबह निकलना था कितने बजे, हमें सुबह निकलना था 7 बजे, लेकिन अभी बज रहे हैं 11 से ऊपर टाइम हो रहा है, वही है अभी 11 से ऊपर टाइम हो रहा है, 7 बजे निकलना था सुबह। अभी भी सीमा भाई बस ये लूँ वो कर लूँ, मैं छोटा मोटा काम तो लगा ही देता है जो, तो अब निकलते हैं। हाँ भाई नमस्कार, वना कम सत्यकल, कैसे हैं मेरे जिगर के तारों, ये तो भूल ही गया था बोलना आप लोगों से। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं गाड़ी में। तो भाई लोग अभी पता क्या हुआ, अभी हुआ मैं ATM गया था पैसे निकालने के लिए, मतलब एक बंदा पहले, एक बंदा मैं चला गया, 2 ATM लगे हुए थे उसके अंदर, वो वहाँ बंदे रुक ही नहीं रहे, मतलब कि आप देखोगे ना बंदे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, घुसते चले, मतलब 4 बंदे अंदर घुस गया एक्स्ट्रा, मना भी करता अभी माने नहीं। तो भाई सब गांव की रोड जो होती है ना इतनी जबरदस्त होती है ना, तो ऐसा ऐसा मौसम है पूछिए मत, ऐसा ऐसा मौसम है और बहुत बढ़िया रोड आ रही थी और अब एकदम से रोड कैसे हो गया, काम चल रहा है इस पर, तो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है। अभी यश ने एक बहुत चीज बताई, उसने एक मूवी देखी है, किसकी देखी सर यश, आपने मूवी सलमान है, कौन सी मूवी देखी आपने, सलमान खान की, कहाँ गया था वो कैसे गया था, फिर ये ट्यूशन चला गया था इसका, ये हुआ इसको आगे की स्टोरी नहीं पता, तो इसको आगे की स्टोरी भी दिखाई जाएगी। अभी जो आप लोगों ने गांव वाली रोड देखी, गांव का रोड कैसा था, और अभी ये हाईवे वाला है जो पानीपत से रोहतक की तरफ जाता है, मुझे लग रहा था सर दिल्ली में प्रदूषण है, मैं आपको सही बता रहा हूँ ये सारे रास्ते में प्रदूषण है। आपको कई लोगों को लगेगा नहीं यार ये तो फोग है, ये तो खुला एरिया इसलिए फोग है, नहीं यार प्रदूषण आंखें जल रही है, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ मेरी आंखें जल रही है, तो अब मैं एहसास कर सकता हूँ कि ये पॉल्यूशन ही है। तो वैसे रास्ता तो बहुत सुंदर है, आपने देखा ही होगा अभी तक, मजेदार अभी तो बहुत लंबा रास्ता है और हम कहाँ कहाँ रुकेंगे वो भी सब दिखाते हो जाएंगे। यस हो गया, वो सीमा को भी नींद आ रही है, सीमा को नहीं आ रही, सीमा को अच्छे में जुकाम लग गया तो हर थोड़ी देर में कोल्ड हो गया, तो अच्छी ऐसे ऐसे कर रही है स्मोक की वजह से, एक्चुअली इसको थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं इसको, इसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा कुछ होता है, तो छोड़ा है लोगों ने बम पटाखे पुराली जलाई है और भी उसके साथ हम गाड़ी डीजल जला, हम ही खुद ही प्रदूषण फैला रहे हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ो यार, ये सब हम सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तभी जाके कुछ चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भाई साहब अभी मैं लोहारू और भिवानी के बीच में, भिवानी और रोहतक के बीच में हूँ, और यहाँ पे ना मुझे लगा कि ठंड आ गई, आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है ठंड आ गई है ना, ये चारों तरफ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हुई है और ठंड का एहसास है, बट मुझे नहीं लगता कि ठंड है, ये पॉल्यूशन है, यहाँ पुराली बहुत ज़्यादा जलाई गई है, सारा धुआं धुआं कुछ नहीं दिख रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि मतलब दिसंबर आ गया और रात में घड़ी जला फोक में कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो वाला हिसाब किताब है, इतना बुरा हाल है आज सब दिल्ली का बुरा हाल है, यहाँ इंडिया में हर जगह के बंदों को समझना पड़ेगा कि सर्दियों में आप ज़्यादातर धुएं वाली चीज़ कोई में मत चलाएं, जिससे लोगों को और आपके अपने आप को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को परेशानी ना हो, तो ये ध्यान रखें यार, ये मतलब जलाएं बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हो मैं अभी जा रहा हूँ खाटू श्याम की राजस्थान की तरफ, तो अभी आगे भी देखते हैं कितना क्या मौसम रहता है, क्या रहता है, मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है ना जी, वो बारिश, ये तुम्हें क्या लग रहा है, क्या धुआं है, क्या है, यशु कहते हैं गाड़ी के अंदर है, शोर मचा रहा है, तो पोल्यूशन है ये तो मैं लिख के देता हूँ पोल्यूशन, बारिश थोड़ा तेज हो जाए तो ये पोल्यूशन थोड़ा जमीन में बैठ जाएगा तो फिर ऊपर उठेगा नहीं, तो थोड़ा सा ये होना चाहिए, चलो चलते हैं, शोर मचा रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ खाते पीते कहीं रुकेंगे तो वहाँ जाके बात करते हैं, बाकी आप गाड़ी में चलो 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 दोनों की एक डिमांड थी कि कहते हैं कि मूंगफली ले लो, हैं मैं मूंगफली लेने लग पड़ा तो यश कहे यश मेरे लिए ना पापा अलग से ले लेना, और देखो उसको कैसे देखो चस्के में ले ले खा रहा हो, पूरी गाड़ी में मूंगफली करेगा, अभी 10 मिनट बाद देखना, दोनों लगे हुए हैं
एक भी मूंगफली दोनों ने मेरे से नहीं पूछी कि खाओगे क्या एक मूंगफली। नहीं ना भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कैसे बोल रहे हो खाओगे, आप तो सिर्फ लेने के लिए गए थे। मैं ऐसे कैसे खाऊंगा, अब तो मैं चिली खिलाओ ना, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, सेवा करनी पड़ेगी। मैं भी तो इनकी सेवा करूँ, उतर उतर के लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ अभी मैं बाहर उतरा, बाहर देखो पहले मौसम कैसा है, पूरा बारिश हो रखी है हैं, और काफ़ी तेज बारिश हो रही है। मैं कुछ भूल के तो वो लेने गया, लेके आया हूँ तो पूरा भीग गया हूँ, बाल सारे भीग चुके हैं और अब थोड़ी बारिश आ रही है। ये अपने अलग मूड में, तो चलो चलते हैं जहाँ पहुँचने वहाँ पहुँचते हैं। दोस्त अभी वेट कर रहा बीच में, तो उसके घर जाएंगे, वो वहीं पे रहता है, सैटरडे संडे यहाँ पे रहता है, तो उसी घर जाएंगे, मिलेंगे उसकी फैमिली से, फिर आगे जाएंगे खाटू श्याम की तरफ। क्या जगह पे रहता है यार ये, कहाँ दिल्ली गुड़गांव में पॉल्यूशन है और यहाँ देखो वो खाली खाली मिल रहा है, क्लीन है। तो भाई लोग जिससे हम मिलने हैं ना, वो मेरा एक दोस्त है जिससे मैं करीबन कई साल से मिला ही नहीं हूँ, तो आज उससे मिलूँगा बहुत अच्छा लगेगा। चलो आपको भी मिलवाता हूँ उससे, कहाँ पे, लोहारू में एक्चुअली में रहता नहीं, उसकी वाइफ है, लेक्चरर है एक रानी लक्ष्मी बाई इंस्टीट्यूट है, कुछ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है लोहारू में, वहाँ पे, और वहाँ पे आए उससे मिलने के लिए, क्योंकि नौकरी तो वो भी गुड़गांव में करता है, मैं भी करता हूँ, तो आज मिलते हैं। तो भाई देख लो ये है, इससे मिले हो गए आप लोग पहले भी, चंदर है, चंदर साथ में नौकरी करता था पहले हम लोग एनी टेक्नोलॉजी में है ना, और अभी भी हम लोग साथ में, बोले अलग अलग हम नौकरी करते हैं भाई, हम लोग भाई चल के बात करते हैं अंदर बैठ के, बात करो, छोड़ो सीमा तुम छोड़ दो। तो भाई लोगों हमने मिल लिया अपनी भाभी से और मेरे भाई से मिल लिया मैंने, अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। भाभी छुपके कह रहे मैं नहीं वीडियो में नहीं आऊंगी, कैमरे से बहुत सारे लोग शाही करते हैं, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और इसको बोल के आए, अगली बार आएंगे तो अच्छे से रुकेंगे, पूरा घूमेंगे, बहुत अच्छी जगह है यार घूमने के लिए। और मिट्टी थोड़ी सी परेशान हो रही है ना, मिट्टी आओ, मिट्टी आओ कैमरे में, आओ पास आओ मिट्टी, आप आओगे मेरे घर पे बस, बोल के पता ना सब सुनेगा, आऊंगे तो वही मिट्टी ने प्रॉमिस किया आएंगे, और आप भाभी लेके आना है, तो ठीक है चलते हैं। अभी हम खाटू श्याम देते कितने पहुंचते हैं, रात हो ही जाएगी क्योंकि अंधेरा तो हो चुका है, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं और यहाँ से निकलते हैं, इसको अलविदा कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा ये सरप्राइज था, और बहुत सारा खाना खाया हमने, पूछो मत, डिफरेंट तरह की दाल बना रखी है, मतलब काफी सारा आइटम था जो भाभी को लगा अलग अलग आइटम खाएंगे ये लोग, हम लोग खाने वाले इतने से है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आके, थैंक यू यार, तू भी आई, थैंक यू बोलना चल रही है दोस्तों, थैंक यू। तो भाई लोग अभी हम चंद्रगा से निकल गए हैं, और हमें भी कुछ कम से कम दो तीन घंटे तो लगेंगे खाटू श्याम पहुंचने में, और सिंगल रोड है, तो मैं चाहता हूँ आपको सीधा खाटू श्याम में मिलता हूँ, सीधा धर्मशाला के अंदर वहीं मिलते हैं, एक कमरा वमरा ले लेंगे वहाँ जाकर, तभी मिलेंगे आपसे, है ना, चलो जी। Two hours later. तो भाई लोग ऑलमोस्ट खाटू श्याम पहुँच गए, 20-25 मिनट का रास्ता बचा, और आपसे बिना बात के ना मेरा मन नहीं लगा था, मैं रुकता हूँ बीच में कि चाय पीते हैं फिर चलते हैं। सीमा बोल रही थी कहीं देखो धर्मशाला ना बंद हो जाए, मैं कहा नहीं बंद नहीं होगी, खुली रहती है वो, तो जिस धर्मशाला हम रुकते हैं जाके ना उसी धर्मशाला की बात कर रहे हैं कि वो शायद 9 बजे तक बंद हो जाती है, 9 या 10 बजे तक, तो जाएंगे तो खोल तो देखे ही बंदा, ऐसी बात नहीं है, तो एक बार चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आप उनके साथ, बने रहो यार वीडियो, तो मज़ा आने वाला है, नहीं देखो कितनी जा रही गाड़ी, इतनी तेज रोशनी पड़ती है, लोग हाई बीम पर चलते हैं सिंगल रोड, मतलब एक ही रोड से आने जाना जिसमें होता है ना उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी हम रुके हैं किसी एक श्री कृष्णा होटल करके है, सॉरी श्री कृष्णा करके होटल है, श्री कृष्णा होटल, वहाँ पर रुके हैं और चाय पीते हैं। सीमा तो गाड़ी से बाहर ही नहीं आ रही है, बोली अंदर मोबाइल में लगी हुई है, तो एक बार चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। पहले को चाय हो गया, अब चलते हैं, है कि नहीं, स्टार्ट करते हैं धन्नो को, भैया धन्नो स्टार्ट बैक गियर और चलो, ओए हैंड ब्रेक कौन हटाएगा, सारा कुछ भूल जाते हो यार गाड़ी चलाते हुए। तो फाइनली भाई लोगों को रूम मिल चुका है ना, तो आपको 5 मिनट मिलते, थोड़ा सा मुँह और धुलूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं फ्रेश होकर मिलता हूँ आपको। तो हाँ भैया हो गया तैयार, मतलब कि फ्रेश हो लिए, और अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, बस ये डर लग रहा है कि मार्केट ना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के आसपास सारी मार्केट बंद हो जाती है, अभी 9:45 हो रहे हैं, फटाफट जाते हैं, फटाफट घूम के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप भी चलो, मतलब चलो, ये भी चल रहा है हमारे साथ, ये तो ये कह रहा कोई मत चलो, लेकिन जाएगा ये भी, देख लेना अभी वीडियो थोड़ी देर में मेरे पीछे ना यहाँ पे गेट दिख रहा होगा, एक में मैं दिखाता हूँ, सीमा एक लेना, ये गेट दिख रहा है ना आपको,
ये वाला जो गेट है ना, ये रिंगस की तरफ से आता है और हम इधर से आए इस बारी सीकर होते हुए। ये रिंगस की तरफ से आता है, ये खाटू श्याम का मेन गेट है, इसको खाटू श्याम गेट बोलते हैं और ये उसका एंट्री है। और ये सारी मेरे पीछे मार्केट है, तो यहाँ ही चलते हैं, बात करते हैं। आज बहुत भीड़ है, बोले शनिवार है तो ज़्यादा भीड़ होती है, तो एक बार चलते हैं अंदर, हम भी एंजॉय कर करते हैं इसको। ये बहुत एक्साइटेड है, कह रहे अरे नई दुनिया में आ गए। किसमें आ गए? कितनी अच्छी दुनिया में आ गए, कितनी अच्छी दुनिया में लेके आए हो। और यहाँ पे ATM भी खुल गया यार ना, ये कौन सी कंपनी का है? तो अच्छी क्या ATM, ये कौन सी बैंक है? खाटू श्याम का इकलौता पेट्रोल पंप है ये वाला, HP का। यहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा आपको खाटू श्याम के अंदर। तो अभी कुछ खा लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं कि किससे गुस्सा हो रहा है कि बहुत देर से भूख लगी है, तुम कुछ खिला नहीं रहे हो, सिर्फ व्लॉग कर रहे हो। तो एक बार खा लेते हैं यहाँ बैठ के गोविंदम में, तो चलो एक बार पहले खाते हैं और फिर बात करते हैं। सब खाना आ गया, इसकी मर्जी का खाना है, मेरी मर्जी खाना नहीं है, इसकी मेरी मर्जी खाना है, इसी की मर्जी चल रही है, इसलिए मंगाया पनीर कढ़ाई वही खाएंगे। और फिर यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे? धर्मशाला में जाकर फिर वीडियो का एंड करेंगे। चलो चलते, अच्छा एक रुपये मुझे और ज़्यादा नहीं, इसकी टोल की वही तो बताते हैं आपको कितना टोल लगा है। मतलब खाना नहीं, जगह का A1 था, ठीक है ना, और ज़्यादा महंगा नहीं था। टोटल बिल आया 330 रुपये का, 180 इसमें पनीर था, बाकी आप विशाल लगा लो कितने का था, दो रोटी और एक आलू का पराठा था। तो ये एक मिनट खाना मोटे सीधा, मज़ा आ गया खा के। जा रहे हैं कहाँ पे? धर्मशाला में, धर्मशाला जाके बात करते हैं और वीडियो का एंड वही करेंगे। खाना बहुत ज़बरदस्त था, सीरियसली ऐसा खाना मैंने अभी तक खाटू श्याम में नहीं खाया था, अच्छा खाना था इस रेस्टोरेंट का। हाँ तो भाई लोगों, ये थोड़ा भजन वजन चल रहा है क्योंकि ये ऐसी जगह पर आए हैं खाटू श्याम में, तो भजन तो सुनाई देंगे देंगे, भजन के बाद तो उसको थोड़ा सा इग्नोर मारना आप। और मेरे को जो आपको पता है, टोल बताया मैंने, टोल मेरे को पड़ा है टोटल 290 रुपये का वहाँ से यहाँ तक का। हाँ 290 रुपये का टोल पड़ा है टोटल पानीपत से खाटू श्याम जगह, जैसे हमने एक जो टोल था पानीपत से निकलता है, जो टोल पड़ता है रोहतक रोड पे, वो हमने स्किप किया था क्योंकि हम अंदर से आए थे, हमें वो देना पड़ता, उसके बाद जो रोहतक में पड़ता है वहाँ तो हमें दिया टोल, वहाँ से टोल देना शुरू किया था। और टोटल 290 रुपये हमारे खर्च हुए टोल में आने में, अब 290 जाने में भी होंगे, ये था टोटल खर्चा टोल का। और 338 किलोमीटर, मतलब 338 किलोमीटर टोटल है पानीपत से खाटू श्याम जी। तो हमने यहाँ पर जो भी जर्नी रास्ते में आया, आपने देखा दोस्त क्या रुके चंदर के साथ, वहाँ अंधेरा हो गया था, वहाँ पर शूट नहीं कर सकते थे निकलते हुए, फिर हमने आपको बता दिया कि सर खाटू श्याम मिले। खाटू श्याम मिलने के बाद आपसे बहुत सारी बातें करी, आपको इस पूरे रूट में इसकी शरारतें, हरा आपस का झगड़ना, छोटा मोटा चुप्पू चुप्पू जो लगा रहता है एक फैमिली में, वो सब देखने के बाद आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना नीचे। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अगर आप कमेंट करते ना उससे एक मोटिवेशन आता है ताकि नेक्स्ट व्लॉग बना सके, नेक्स्ट कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाए, कहीं ना कहीं ट्रैवल करे, राइड करे, कुछ भी करे, आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट देते रहे, इसलिए कमेंट कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो, सब्सक्राइब किए ना मत जाना, सब्सक्राइब करके जाना अगर जो नया आता, सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो देख रहे सब्सक्राइब नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करके जाओ और बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और हाँ आप दोस्तों शेयर कर दो अच्छी लगी है तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो पे, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, किसी नई राइड पे, नए ट्रैवल पे, नए टूर पे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।